हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लिख रही हूँ आपके लिए एफ्टॉन GT70 ट्रेडमिल। लेकिन जब भी हम कोई ट्रेडमिल खरीदते हैं ना, तो उससे पहले हमें सबसे पहले उसका कवर लेना चाहिए। तो मैं आपको पूरे रिव्यूज दूंगी। एक कवर लेने से क्या होता है कि पानी, धूल मिट्टी, हर चीज़ से हमारी ट्रेडमिल बची रहती है। अब मैं इस पूरी वीडियो में आपको अपनी ट्रेडमिल का अच्छा रिव्यू दूंगी कि कैसे रिव्यूज़ रहे मेरे। हालांकि मेरे रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे रहे हैं इस ट्रेडमिल के। अब इसका ये जो कवर है ना, ये मैंने अमेजोन से लिया है। आप कहीं से भी ले सकते हो, बट ये कवर लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत हल्का सा रेगजीन कवर है और मैंने बाहर अपनी बैल्कनी में रखा हुआ है। तो उसमें बारिश से या फिर अगर धूल मिट्टी भी जैसे होती है ना, उससे भी हमें अपनी ट्रेडमिल बचानी बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज मोटर जो है ना, वो ख़राब होने का डर रहता है। तो ट्रेडमिल खरीदने से पहले सबसे पहले दो बातें हमेशा ध्यान रखें कि उसका कवर सबसे पहले लें, और दूसरी चीज़ उसको डेली यूज़ करने से पहले क्लीन करें। उसके बाद हम ट्रेडमिल को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने देखो, ये जो कवर है ना, वो हमने हटा दिया है। ये इसका मैंने नॉब हटा दिया। इसमें हाइड्रोलिक प्रोसेस है तो ट्रेडमिल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती आपको, जस्ट लास्ट में हल्का सा टच करना पड़ता है तो अपने आप ट्रेडमिल नीचे आ जाती है, उसका सेल्फ फोर्स होता है। ये है इसका प्लग, इसको मैंने लगा दिया स्विच बोर्ड में। अभी मैंने ऑन नहीं किया है बटन, तो हमारी अभी जो ये ट्रेडमिल है ऑन नहीं हुई है। ये है इसका पूरा डैशबोर्ड हमारी ट्रेडमिल का। ये साइड में इसका वॉकिंग डेक, इसके 12 प्रेजेंट प्रोग्राम्स हैं, इनकी रेंज क्या है, 1.16 किलोमीटर रेंज ऑफ स्पीड है इसकी। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, P1, P2, P3, ये सारे इसके 12 प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पीड और टाइम को मैनेज करते हैं। ये आप इस हिसाब से अपना कोई भी प्रोग्राम सेट करके आराम से आप कोई भी मूवी लगा के अपना ट्रेडमिल पर दौड़ सकते हो। ये नीचे हैं प्रोग्राम्स, स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये क्विक स्पीड है, आप 3 से डायरेक्ट 6, 6 से डायरेक्ट 9 स्पीड पे भी जा सकते हो। और ये जो साइड वाले हैं ना, इससे स्पीड कम होती है और इससे स्पीड बढ़ती है। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेड बटन है, इसको डायरेक्ट खींचने से इमीडिएट हमारी जो ट्रेडमिल है वो स्टॉप हो जाती है। ये खासकर ओल्ड एज लोगों के लिए या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बीपी प्रॉब्लम है, उस समय बटन दबाने का होश भी नहीं रहता, तो तुरंत खींच दो इसको, रेड बटन को, तुरंत ट्रेडमिल स्टॉप। ये इसमें दिया हुआ एक और नया फीचर है कि इसमें आप फोन लग सकते हो, आप आराम से अपना मूवी देखते रहो और आराम से अपना ट्रेडमिल यूज करते रहो, है ना। तो ये इसमें आप टैबलेट भी रख सकते हो, अच्छा खासा सेक्शन है ये। और ये इसमें आप बॉटल, मतलब ग्लूकोज बॉटल भी आप साइड साइड में जो सेक्शंस बने हुए हैं वहां पर रख सकते हो। अब मैंने ट्रेडमिल को किया ऑन। देखो ऑन करते ही ना, एक सेकेंड मैं फोन हटाऊं अपना, फिर मैं दिखाती हूँ जब स्टार्ट बटन करने के बाद में। जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, तो देखो ये 1 पे ही, ये स्टार्ट ही 1 पे होती है और धीमे धीमे मैं ट्रेडमिल स्टार्ट होना शुरू हो गई, केवल 1 है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड कम तो हो नहीं सकती 1 से, तो मैं थोड़ा बढ़ा के दिखाती हूँ। तो 1.2, 1.3, आपको जैसे भी स्पीड करनी है ट्रेडमिल आपकी उसी स्पीड में भागना शुरू हो जाएगी। अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास ये क्विक ऑप्शन है। हमें जो 3 होता है ना, 3 पे वार्म अप किया जाता है, मतलब जॉगिंग की जाती है। ये जॉग का होता है 3 पॉइंट पे, डायरेक्ट हम 3 पे ले आए। अभी हम स्पीड पे 1.8, 1.9, 1.9 ऐसे बढ़ाता जाते हैं ना, उससे बेहतर है मैंने सीधे 3 पे। अगर आपको रनिंग करनी है, दैट इज 6, 3 से डायरेक्ट 6 पे आए, दैट इज रनिंग। देख लो आप स्पीड, अपने आप स्पीड जो है हमारी बढ़ती जाती है। तो हिसाब से 3 से 6, 6 से 9, बट कभी 3 से 9 मत आना, वो डेंजरस हो जाती है ना। तो हमेशा जो ट्रेडमिल होती है ना, उसमें एक कॉन्टिन्यूसली स्पीड में ही आगे बढ़ना चाहिए, और जब आप स्टॉप करते हो तो भी कॉन्टिन्यूसली धीमे धीमे ही वापस आना चाहिए अपनी स्पीड पे। 6 से आप 3 पे हो, 3 पे आप 1, 3 आप 1 पे, फिर स्टॉप करोगे ना, देखो 3 से धीमे 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 करते 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 अब ये 1 पे आया गया, और अब जो हमारी ट्रेडमिल है वो पूरी तरीके से स्टॉप होगी, होगी ना स्टॉप पूरी तरीके से। इधर 0 भी हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो ये जो हमारी ट्रेडमिल है ना, इसको उठाना कितना आसान है। मैंने जस्ट एक हाथ से इसको उठाया हुआ है और जस्ट इसको इस तरीके से ऊपर कर दिया। देखो अभी गिर भी नहीं रही, और इस टाइम ना जो इसका ये जो नॉब आपको दिख रहा है ना, ये वाला ही जो नॉब होता है ना, वो ही में इसी नॉब को हमें खींचना होता है जब अपने आप ट्रेडमिल हमारी नीचे जाती है, और इसी नॉब को हमें इस तरीके से बीच में लगाना होता है जिससे कि हमारी जो ट्रेडमिल है वो टिक जाती है ऊपर। इसको उतारना और चढ़ाना बहुत ही ज्यादा आसान है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम।
क्योंकि अपने आप इनर फोर्स उसमें होता है कि अपने आप नीचे आती है और अपने आप ही हम इसको हल्का सा भी फोर्स करके ऊपर करते हैं वो टिक जाती है। तो ये है मेरे ऑनेस्ट रिव्यूज मेरी इस ट्रेडमिल के लिए। अगर आपको ये ट्रेडमिल अच्छी लगे तो आप भी अपने घर में लीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।